विक्की कुमार हत्याकांड में लहरियासराय थाना की लापरवाही को लेकर दो बार धरना प्रदर्शन कर लोगों ने चेतावनी दी थी। उस दिन भी लोगों ने सड़क जाम कर लहरियासराय के प्रशासन से सही से इस मामले पर कार्रवाई करने की अपील की थी। इसके बाद लहरियासराय के थाना प्रभारी पर परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि ब्लूटूथ की पत्नी ने थाना प्रभारी को मोटी रकम दी है, जिससे इस केस में ढिलाई दी जाए। जब लोगों का आक्रोश बढ़ गया कि अब वह बर्दाश्त नहीं करने को थे, तो वरीय पुलिस पदाधिकारी को इस केस के जांच करने की मांग की। नतीजा यह हुआ कि वरीय पुलिस पदाधिकारी तक यह बात नहीं पहुंच सकी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया था। वहीं इस केस को खुद CTSP ने हैंडल करना शुरू कर दिया था। बीते दिन FIR में नाम दर्ज किए गए विकास पांडे की भी गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं CTSP सागर कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। हत्याकांड में गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही, क्या है? इसमें पूर्व में भी कुछ गिरफ्तारियां की गई थी, जो विक्की नाम के युवक का अपहरण तथा उसके बाद जो अनुसंधान में तथ्य आए थे, तो जो मर्डर केस में वो परिवर्तित हुआ था, उसमें पूर्व में भी जो है गिरफ्तारी किया गया था। उसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त विकास पांडे की गिरफ्तारी जो है कल लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा जो है वो किया गया है। यह अभियुक्त जो है FIR में भी नामजद थे, और जो स्वीकारोक्ति बयान आए थे अन्य अभियुक्त के, उसमें भी इनका जो है वो नाम जो है आया था। इनकी क्या भूमिका है पूरे हत्या अपहरण में? इसमें ये जो अभी तक का अनुसंधान आया है, उसमें अन्य अभियुक्त संगीत उर्फ ब्लूटूथ के साथ जो है इनका नशा का कारोबार था, और उसी कारोबार के लेन देन के क्रम में जो है यह घटना को जो है कारित किया गया। अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें ये बात है। किसी प्रोफेशनल से भी जुड़े हैं क्या सर कुछ? अभी तक किसी पेशेवर अपराधकर्मी के साथ तो जुड़ने की सवाल नहीं है, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास जो है वो पाया गया है। पूर्व में भी जो है विकास पांडे लहरियासराय थाना से जेल जा चुके हैं। भेज दिया जाएगा नाका नंबर 6 स्थित उनके मकान से यह गिरफ्तारी। सर, ये प्रथम नामजद अभियुक्त है, इतनी 28 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, इस संदर्भ में ये फरार चल रहे थे हम लोग। इसमें जो अनुसंधान था उसको हम लोग जब पूर्ण अनुसंधान में जब प्रगति आया है और ये फरार चल रहे थे, हम लोग वारंट भी प्रे किए हुए थे, और इस बीच हम लोग को खबर मिली थी कि वो अपने घर आए, तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी। विक्की के परिजन के सवाल हैं कि उनका शव क्या हुआ, उनका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन कहाँ गया, पुलिस भी ये सवाल की मांग रहे हैं। इसमें देखिए, जो अभी तक अनुसंधान है, पूर्व में भी आप लोगों को बताया गया है, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि जो विक्की नाम का जो अपहृत युवक था, उनका जो है हत्या करके और लाश को छुपाने के उद्देश्य से सुपौल जाकर के उसका जो है निष्पादन किया गया है। अभी तक का अनुसंधान नहीं। सर, आप घटनास्थल पर गए थे तो परिजन ने कहा था विकास और नूर आलम का नाम, नूर आलम कौन है, इनकी क्या भूमिका, कुछ अभी तक स्पष्ट हुआ? अभी जो है उनका संलिप्तता इस केस में नहीं आया है, लेकिन अनुसंधान अभी जारी है। अगर कुछ अनुसंधान में नए तथ्य आएंगे तो आप लोग को सूचित। सर, विक्की हत्याकांड में अभी तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें कुल मिलाकर के 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, 3 पूर्व में थे और 1 कल। और लोगों की इसमें घटना में गिरफ्तारी हुई? इसमें कुल 10 लोगों पर जो है वो केस जो है वो सत्य पाया गया अभी तक के अनुसंधान। और कोई नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी होगी, जो बचे हुए? अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है पूरा डिटेल्स हमको। सर, FIR में उनकी पत्नी पर भी संदेह किया गया, तीसरा नाम उनकी नहीं, पत्नी उनका जो संलिप्तता है अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया। थैंक यू सर।